तो फिर हेलो ऑल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता लेता हूँ कि गाइस, मैं पहले वीडियो में जो इंट्रो वीडियो था, रक्षाबंधन का विशेष वीडियो था, वो वीडियो में मैं आपको ये बता दिया था कि भाई डबल डेकर बना रहा हूँ। तो फिर भाई पार्ट वन बन चुका है और अभी का अभी अपलोड भी हो जाएगा। तो फिर इंतज़ार किस बात के लिए, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए तो फिर चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट बना लिया हूँ पहले से ही, जो कि आप देख सकते हो वीडियो पे, ये रहा देख सकते हो। तो फिर गाइस, ये हमारा फ्रेम बनेंगे, जो साइड्स के दोनों फ्रेम। और गाइस, अगर ये ब्लूप्रिंट आपको चाहिए तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो फिर सेम ऐसे ही मेजरमेंट में सारे कट्स कर लेना और विंडोज सारे को निकाल देना, देख लो यहाँ पे ही देख लो। तो फिर उसके बाद गाइस, हमारा यहाँ पे जो दो मतलब दो फ्रेम्स चाहिए, यहाँ पे मैंने सनबोर्ड का 4mm शीट यूज़ किया है और उन सारे को यहाँ पे मतलब काट के रख लिया पहले से, जो कि गाइस टाइम चला जाएगा, आपको अगर दिखाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, रीजन्स है इसीलिए। तो फिर ये रहा गाइस, हमारा जो दोनों फ्रेम है यही है, जो कि ये 4mm वाला सनबोर्ड और इसका लंबाई पूरा 90cm है, जो कि ब्लूप्रिंट में सारा डिटेल्ड है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हमारा कुछ बेस पार्ट्स भी बनेगा। तो फिर गाइस, यहाँ पे हमारा 35cm x 12cm साइज़ का ये 2mm शीट सनबोर्ड है, देख सकते हो आप। उसके बाद फिर से और दो अलग पीस, मतलब दो पीसेस चाहिए, 25cm x 12cm, ऐसे दो पीसेस चाहिए, जो कि है ये भी 2mm वाले सनबोर्ड वाले ही पीसेस, जो कि आप देख सकते हो, ये रहा गाइस, देख लो हमारा दोनों पीस। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम पहले आपको अच्छे तरह से समझाने के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारे मार्किंग कर लेता हूँ। वो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और जो 3rd पीस है वो 3rd नंबर बन जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार। तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, या फिर मतलब कुछ भी आसानी से आपको समझ आ जाएगा इसीलिए। तो फिर यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का पेपर लिया है, पेपर चार्ट पेपर नहीं, सिर्फ पेपर है, पतला पेपर। और गाइस यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट वाला पीस है और सेकंड वाला पीस है और थर्ड वाला पीस है, उन सार को यहाँ पे ऐसे ही ब्लू कलर के पेपर से, यहाँ मतलब ब्लू कलर के पेपर से चिपकाना है। तो फिर गाइस, यहाँ पे मैंने गम लगा लिया, उसके ऊपर पेपर भी लगा लिया, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिनिश और फोल्ड करके लगा लिया, देख सकते हो। ऐसे ही हमें तीनों पीसेस चाहिए, तीनों पीसेस ऐसे ही कलर होने चाहिए, मतलब कलर नहीं, ऐसा उसका कलर पेपर लगना चाहिए ब्लू कलर का, क्योंकि गाइस हमारा डबल डेकर में नीचे ब्लू कलर का सरफेस रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का ही चुन लिया। तो फिर गाइस, यहाँ पे 90 डिग्री रहने के लिए यहाँ पे मैंने एंगल 60 वाला यूज़ कर लिया और यहाँ पे एक शीट लगा लिया, उसके साथ फ्लेक्स क्विक के साथ अच्छे से जॉइन भी कर लिया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एकदम 90 डिग्री एंगल पे है, तो फिर पूरा स्ट्रेट है। तो फिर हमारा बेस थोड़ा भी बेंड हो गया ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ। सेम उसके बाद भी गाइस, ऐसे ही मतलब जो नीचे वाला पार्ट था, अब जब आप ब्लूप्रिंट देखोगे ना गाइस, उसके हिसाब से यहाँ पे भी बेस वाले सारे पार्ट्स यहाँ पे ऐसे ही काटा हूँ, आप ऐसे ही सारे लगाना। और गाइस फिर से जो दो पीस मतलब 25 x 12cm वाला और एक पीस था, यहाँ पे लगा लो कुछ इस प्रकार वाला, देख लो कुछ ऐसे ही गाइस, क्योंकि हमारा मतलब अच्छे से लुक आए और थोड़ा टाइम जाने सके, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेली नहीं बता रहा हूँ, आप ब्लूप्रिंट देख सकते हो तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद गाइस, मैं फ्लेक्स क्विक के साथ ऐसे अच्छे से एक फ्रेम को अच्छे से मैं चिपका लिया बेस के साथ, देख सकते हो आप। गाइस यहाँ पे फ्लेक्स क्विक मेरा पार्ट वन के लिए गाइस 1.5 ख़त्म हो गया, और पार्ट टू जब होगा गाइस उसके बाद तब बताऊंगा आपको पूरा कंप्लीट कितना हुआ। तो फिर गाइस, यहाँ पे और एक साइड भी हम काट लिए थे पहले से ही, तो फिर गाइस वो वाला साइड भी यहाँ पे चिपका रहा हूँ, देख सकते हो आप। इसको भी गाइस अच्छे से 90 डिग्री एंगल पे ही रख के सारे को चिपकाओ और फ्लेक्स क्विक को अच्छे से लगा लो, जो कि एकदम से मतलब टाइटली फिक्स, मतलब अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, जो कि गाइस ये हमारा मॉडल है भाई। तो और गाइस, ये कार्डबोर्ड पेपर उससे ही बना है, सिर्फ सनबोर्ड है गाइस, ये भी मतलब मतलब कार्डबोर्ड के टाइप ना उतना ही रहता है, लेकिन ये थोड़ा
प्राइस हैवी है, मतलब हाई है, क्योंकि गाइस हमारा 2 mm वाला शीट 20 rupees एक स्क्वायर फीट लगता है और 4 mm वाले 30 rupees लगता है। देख सकते हो यहाँ पे मैं 4 mm का 2 mm का दोनों का यूज़ कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे बेस के लिए यहाँ पे मैंने 2 mm का यूज़ किया और साइड के लिए यहाँ पे 4 mm यूज़ किया हूँ। सिंपल सही बात है। और गाइस हमारे यहाँ पे सारे मतलब सारे एंड टू एंड सबको फ्लेक्स क्विक अच्छे से लगा लो, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो मतलब एक गैप रह गया है, मतलब ट्रैपीजियम शेप का ऐसा रह गया, मतलब उस पर साइड में गैप देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप रह चुका है उधर और इधर। तो फिर यहाँ पे भी हमें 2 pieces चाहिए जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फिर गाइस ये 12 cm × 4.1 cm ऐसा 2 pieces देख सकते हो। यहाँ पे मेजरमेंट्स भी लिख रहा हूँ और वीडियो भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद गाइस सेम प्रोसेस, ब्लू कलर का पेपर लगा लो जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ। उसके बाद गाइस फ्लेक्स क्विक के साथ ऐसे बहुत ही अच्छे से चिपका लेना। और गाइस ये तो है पार्ट वन, और गाइस जल्दी से जल्दी पार्ट टू भी आ जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि गाइस लॉकडाउन चल रहा है भाई, कुछ दुकान ओपन नहीं हो रहे हैं। तो फिर गाइस थोड़ा टाइम लगता है ऑर्डर आने के लिए, सब कुछ होने के लिए, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, जल्दी से जल्दी बन जाएगा आपके लिए। और गाइस सब्सक्राइब करो ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो फिर गाइस अभी मतलब सब कुछ हो गया, अभी चेयर में आ जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैं बता तो नहीं रहा हूँ लेकिन मेज़रमेंट सारे वीडियो पे दिखाया जा रहा है, वैसे ही काट लो। देख सकते हो गाइस एक चेयर जो कि गाइस एक सी मतलब एक सीट कुछ भी हो सकता है, वो हम यहाँ पे बना रहा है पूरा एकदम रियलिस्टिक लुक पे गाइस, बहुत ही अच्छा बनेगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंने पूरा एंड टू एंड सारे डिटेल्ड वे में बताया हूँ और आपको जैसे कि अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से इजी वे में कर सको, वैसा ही यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ और बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ भाई, आपके ऊपर ही डिपेंड है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या भाई एकदम से एक सब्सक्राइब, जो भी इसमें व्यू आया ना भाई उतने सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, उतने सब्सक्राइबर्स। और भाई साहब आप ये पूरा वीडियो देखते नहीं हो, जिनको चाहिए वो देख लेते हैं या फिर 2-3 minutes देख लेते हो, क्या है भाई पूरा 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 वीडियो देखो, ठीक है ना। तो फिर गाइस यहाँ पे हमारा एकदम से एक स्ट्रक्चर बन गया चेयर का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल है, फिनिशिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा कर्व भी कर लिया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने कटर के सहायता से अच्छे से काट के कर्व कर लिया। ऐसे गाइस 120 चेयर्स लगे हैं, 120 उसके लिए तो एक लाइक बन जाता है। 120 चेयर ऐसे ही करने के समय फट जाता है सच्ची में फट जाता है। और भाई क्या मुश्किल समय है, और मेरा छोटा भाई भी थोड़ा हेल्प कर लिया इन सारे चेयर बनाने के लिए, उसके लिए एक लाइक। और भाई हमारा ये चेयर बन गया जो कि है कर्व पार्ट्स तो बन गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फ्रेमिंग कर लेते हैं जो कि है थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 mm के विड्थ में जो सारे सनबोर्ड के शीट थे उनसे ही काट के लगाया हूँ, देख सकते हो आप, ये भी सनबोर्ड है देख लो। और कुछ इस प्रकार से मैंने पूरा साइड पे अच्छे से फ्लेक्स क्विक के साथ ऐसे बहुत ही अच्छे से लगा लिया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पे। तो फिर गाइस बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारा बनाना मुश्किल है, इसको बनाना आसान है लेकिन बहुत सारा बनाना मुश्किल है। तो फिर गाइस आपको अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करके रहना भाई। और आपके आइडियाज़ कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हो। और भाई जिन जिन का कमेंट पूरा नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब गाइस एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ चल रहा है, बहुत टाइम लग जाता है, और वीडियो बनाने के समय क्या मतलब आपको पता चल रहा होगा सब कुछ हो रहा है, कहाँ टाइम सेव हो रहा, आप देखने के समय भी ऑनलाइन क्लास हो रहा होगा, मुझे क्या पता। लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे वीडियोस के लिए, और भाई सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। और गाइस इन सारे मतलब सब कुछ हम चेयर करने के बाद देख सकते हो इन सारे को पॉलिश भी कर लिए, 120 सीट्स हैं गाइस देख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ट्रेन पे 120 रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 116 सीट्स किए हैं 100, क्योंकि गाइस मैं आपको बाद में बताऊँगा जब सीट का सेटिंग होगा तब बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हैंडल्स भी चाहिए गाइस हमें, मतलब सीट में जो हैंडल्स रहते हैं वो मतलब हैंड रेस्ट वाले, वो आते हैंड रेस्ट भी यहाँ पे बना रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल्ड वे में सब कुछ किया हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है।
और गाइस क्या सब्सक्राइब करो, ठीक है ना गाइस। और पार्ट टू जल्दी से जल्दी आ जाएगा गाइस। ऐसे ही मैंने पूरा 116 चेयर्स किया, 120 नहीं 116। मैं चार चेयर निकाल दिया हूँ क्योंकि अपने वे में थोड़ा बना रहा हूँ ना, थोड़ा मतलब कंजेस्टेड हो जा रहा है थोड़ा, इसीलिए मैं चार चेयर हटा लिया। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे हटा लिया मैंने। और गाइस इन सारे चेयर को ब्लू कलर कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल ट्रेन में जो डबल डेकर वाला था उन सारे सीट्स पे ब्लू कलर का ही कवरिंग था, लेकिन उसमें थोड़ा कलरफुल थे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एशियन पेंट्स का ही कलर ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कलरफुल नहीं रहेगा, सिंपल पूरा ब्लू ही रहेगा हमारा सीट्स। अगर आपको कलरफुल चाहिए तो फिर गाइस आप स्प्रे पेंट से अलग अलग कलर का लेकर, मतलब गाइस स्प्रे पेंट थोड़ा स्प्रे कर लो उसके ऊपर ब्लू कलर करने के बाद थोड़ा स्प्रे कर लो, तो फिर वो भी कलरफुल बन जाएंगे ये सारे सीट्स। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने स्प्रे पेंट का यूज़ नहीं किया, सिंपल एशियन पेंट का ये ब्लू कलर यूज़ करके सारे चेयर्स को कम्प्लीट कलर कर लिया। अगर आपको चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही ठीक है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। जैसे कि मैं कर लिया ना, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, आप भी देख सकते हो। लेकिन मतलब आपको थोड़ा और थोड़ा मतलब रियलिस्टिक लुक आए तो फिर वैसे आप भी कर सकते हो, आपके ऊपर। पता नहीं आप करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेयर को अच्छे से कलर कर लेते हैं। देख सकते हो हर साइड आपको अच्छे से कलर कर लेना और इन सारे सीट्स को अच्छे से सुखा लेना। तो फिर गाइस 116 सीट्स ऐसे करने के समय क्या होता है, फट जाता है। तो फिर भाई देख लो इतने सारे सीट्स, देखो भाई। भाई यहाँ पे अल्पिन का क्यों यूज़ किया, मतलब देख सकते हो अब जब मैंने कलर किया चेयर को नहीं पकड़ा, सिर्फ अल्पिन को पकड़ा और वहाँ पे कलर कर लिया। देख सकते हो बहुत ही आसान है, इन सारे अल्पिन को फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं। ओह ठीक है ना, देख लो भाई बहुत ही आसान है, कर लो, लेकिन ज़्यादा बनाना मुश्किल है। आपके लिए मैं तो बना रहा हूँ, क्या कर रहे हैं भाई, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आप कमेंट्स करते हो ना, बहुत ही खुशी लगता है भाई, सच्ची में बोल रहा हूँ, बहुत खुशी लगता है। तो फिर आ जाते हैं सीट्स के ऊपर। भाई सीट्स ना मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा हाइट रहता है, और भाई विंडो के साइड में रहता है सीट्स, उन सारे के लिए यहाँ पे मैंने फिर से सनबोर्ड का यूज़ किया। 1.8 cm का विड्थ लंबाई में ऐसे सब कुछ काट लिया, देख सकते हो। उसके बाद भाई कुछ इस प्रकार से मैंने सीट को पकड़ा और कुछ इस प्रकार से वो जो सनबोर्ड का शीट है एकदम सीधा लगा के कुछ इस प्रकार से फ्लेक्स क्विक के सहायता से अच्छे से लगा लिया, देख सकते हो। बहुत ही आसान है, ऐसे ही पूरे 116 सीट्स को ऐसे ही लगा लेना, पूरा एक रेलगाड़ी बनाओ इसका, सीट्स का भी एक रेलगाड़ी बनाओ और उन सारे सीट्स को ऐसे ही लगा लियो, ठीक है ना। तो फिर क्या कुछ इस प्रकार आप भी ऐसे ही बना लेना, बहुत ही आसान है, लेकिन ज़्यादा बनाना मुश्किल है, बहुत बार बता रहा हूँ आपको। इसके लिए एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक बनता है। और गाइस जैसे कि आपको बताया फ्लेक्स क्विक का बारिश हो रहा है यहाँ पे, सच्ची बात, ऐसे ही पूरा 116 सीट्स को ऐसे ही चिपकाते रहना। मेरा जल्दी क्यों हुआ कंप्लीट पता है कि नहीं, मेरा छोटा भाई मुझे हेल्प किया। उसके बाद गाइस छोटे भाई को एक लाइक, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस तीन सीट, दो सीट, एक सीट, कुछ इस तरह से डिफरेंट मतलब गाइस देख सकते हो यहाँ पे तीन सीट लगे हैं, फिर से वहाँ पे दो सीट लगेंगे ऐसे ही, मतलब पूरा एक कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। और गाइस आप भी देख सकते हो बीच बीच में टेबल भी होता है गाइस, वो टेबल भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, पार्ट टू वाले वीडियो में आएगा। और गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो गया गाइस, देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा थोड़ा एक बीच में थोड़ा क्या बोलते हैं पिलर रहता है बीच में, एक पिलर मतलब नीच मतलब लोअर डेक से अपर डेक, अपर डेक से लोअर डेक आने के लिए, मतलब सीढ़ी जो रहता है ना गाइस वो भी, उसके साइड पे एक पिलर भी रहता है, मतलब पिलर क्या बोलूँ, वो एक स्टैंड भी हो जाता है। तो फिर उसके लिए स्टैंड बनाने के लिए भाई कुछ इस प्रकार से मैंने सारे मेजरमेंट्स तो आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही काट लेना, सारे सनबोर्ड के ही यूज़ किया हूँ, सब कुछ सनबोर्ड के पीसेस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, सारे भाई सिर्फ जो फ्रेम है वही 4 mm है और सारे 2 mm वाले ही मैंने यूज़ किया, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करने का नहीं, लॉकडाउन का टाइम है, सेविंग्स करो, ठीक है। तो फिर भाई कुछ अच्छे से कुछ इस प्रकार से चिपका लेना, देख सकते हो।
और गाइस ऐसे ही पूरा चारों मतलब फोर साइड्स हैं, मतलब फोर साइड मतलब गाइस दोनों साइड पे सीढ़ी रहता है ना, इसीलिए कर रहा हूँ। और गाइस इन सारे पिलर्स को भी तो कवर भी करना है। और गाइस यहाँ पे कवर करते समय हमारा यहाँ पे ट्रैपेजियम शेप्स का मतलब थोड़ा है मामला, तो फिर इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से काट लिया, देख सकते हो। और इसके बाद गाइस फ्लेक्स क्विक की सहायता से बहुत ही अच्छे से हमने चिपका लिया कुछ इस प्रकार से, देख लो। और गाइस सिंपल इतना ही है, बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं जो मतलब मैं बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसके लिए भाई सॉरी। और भाई कुछ इस प्रकार से आसान है, बहुत ही आसानी से बना लो। और गाइस जो पिलर है उसको थोड़ा कवर भी कर लेता है, तो फिर भाई उसका भी सनबोर्ड का ही मामला है, सनबोर्ड का ही हाथ है, सब कुछ है। तो फिर भाई ऐसे ही पूरे चारों स्टैंड्स को ऐसे ही कवर कर लेना, और भाई बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हो। देख लो मैं आज कैसा बनाया, वैसे ही बना लो। वीडियो को बार बार देखो तो फिर आपको बार बार समझ आएगा। तो फिर गाइस फिर से सेटिंग अरेंजमेंट पे आ जाते हैं, जो कि है गाइस यहाँ पे मिडिल लोअर, मतलब मिडिल लोअर क्या पता हो नहीं पता, लेकिन गाइस कुछ इस प्रकार से आप ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट था, ओरिजिनल ट्रेन में भी ऐसे ही रहता है। तो फिर गाइस आप भी ऐसे ही बना लेना, बहुत ही आसान है। तो फिर गाइस कुछ इस प्रकार से ये रहा हमने यहाँ पे चिपका लिया, देख सकते हो। और गाइस फ्लेक्स क्विक की सहायता से सीट्स तो हम 116 सीट्स बना लिए थे, तो फिर उन सारे को चिपकाने का ही टाइम है, बहुत जल्दी चिपक जाता है फ्लेक्स क्विक है। तो फिर भाई कुछ इस प्रकार से, आप अगर नहीं पता आपको सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर मैं पार्ट टू वीडियो में आपको एक उसका एक इमेज या फिर झलक दिखा लेता हूँ, या फिर इस पर ही दिखा लूँ, तो फिर इस पर नहीं दिखाऊंगा, पार्ट टू वाले में झलक दिखा दूंगा, और वहाँ पर आप देख के बना सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा भाई कुछ इस प्रकार से, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, सिंपल है। तो फिर पार्ट वन इतना ही है, और कंप्लीट है हमारा पार्ट वन, और जल्दी से जल्दी पार्ट टू भी आएगा। तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, उससे पहले आपको मतलब इतना लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं, बाय 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 बाय, पार्ट टू आने वाला है।